T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, धोनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जो ऐलान हुआ है उसमें कौन से खिलाड़ियों को जगह मिली है और किसे बाहर किया गया है, साथ ही धोनी को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी अगर चाहते हो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज हो गया है। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और UAE में खेला जाएगा। 24 अक्टूबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया को इस साल T20 विश्व कप खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने बुधवार को मुंबई में BCCI मुख्यालय में हुई बैठक के बाद टीम का ऐलान किया। इस बैठक में कप्तान विराट कोहली, कोच रवि शास्त्री लंदन से ऑनलाइन जुड़े। वही BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह भी इस बैठक में मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप के लिए सलामी जोड़ी के तौर पर रोहित शर्मा और KL राहुल को रखा गया है। वहीं पृथ्वी शॉ को रिजर्व ओपनर रखा गया है। इसके बाद कप्तान विराट कोहली और फिर सूर्य कुमार यादव हैं। वहीं श्रेयस अय्यर को भी रिजर्व बल्लेबाज के तौर पर रखा गया है। टीम में विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी युवा ऋषभ पंत को सौंपी गई है। जरूरत पड़ने पर KL राहुल भी ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। वहीं रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया गया है। ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा के नाम पर मोहर लग गई है। तेज गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और मोहम्मद को टीम में जगह मिली है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। टीम में स्पिनरों के लिए युजवेंद्र चहल को मौका मिला है। बता दें, भारत T20 विश्व कप का पहला खिताब जीतने वाला देश है। कोहली के नेतृत्व में टीम इंडिया के पास पहली बार ICC टूर्नामेंट जीतने का मौका भी होगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित हुई भारतीय टीम एक साथ देखें तो वह कुछ इस प्रकार है। विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर, मोहम्मद समी, शार्दुल ठाकुर। वहीं दोस्तों, अतिरिक्त बैकअप स्पिनर की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और राहुल चहर हैं। इसके अलावा अतिरिक्त तेज गेंदबाज की बात करें तो चेतन सकारिया और टी नटराजन बैकअप के तौर पर रखे गए हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत पाएगी या नहीं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी और क्रिकेट के तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।